आप देख रहे जी संगम आपके साथ हाजिर, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। मई 2015 में लहर के असर पर सवार होकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो झंडे गाड़े और कामयाबी का जो पैमाना तय किया था, हम अब मई 2014 की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे हल्की छोटी लकीर भी उसके लिए नाकामयाबी मानी जाएगी। लिहाजा बीजेपी आलाकमान बेहद चौकन्ना है, हर स्तर पर तैयारी हो रही है, हर छोटी से छोटी चूक को दुरुस्त करने की कवायद हो रही है। लेकिन इन तैयारियों में प्रदेश से चुने गए सांसदों को लेकर मिल रहा है फीडबैक, शायद आलाकमान को रास नहीं आ रहा, लिहाजा इशारों में इनको नसीहतें दी जा रही हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ हिदायतों से काम बनेगा, क्या वाकई पार्टी के सांसद पार्टी के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं, इसका हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। साथ ही आज इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के करिश्मे ने बीजेपी के लिए एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे बड़ी लकीर खींचना अब इतना आसान नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटें अपने नाम करने वाली बीजेपी के लिए अब ये पैमाना ही भारी पड़ने लगा है। लिहाजा 2017 की तैयारियों में कोई चूक न रह जाए, कोई किरकिरी न हो जाए, इसके लिए सतर्कता अभी से बरती जा रही है। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सांसदों के साथ बैठक की तो ये साफ हो गया कि बीजेपी आलाकमान तक सांसदों के रवैये की पूरी खबर है। लिहाजा समीक्षा बैठक में ओम माथुर ने साफ साफ नसीहत दी कि सांसद लोगों से संपर्क बंद ना करें, कार्यकर्ताओं से संवाद कायम रखें, कार्यालय खोलें और उसमें उपस्थित रहें, खुद उपलब्ध ना होने पर संगठन के वरिष्ठ व्यक्ति को कार्यालय में बैठाया जाए। लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार मिले वोट सुरक्षित रखना और उसमें इजाफा करना सांसदों की जिम्मेदारी है। क्षेत्र में पार्टी संगठन का काम भी सांसद करें, पार्टी के धरना प्रदर्शन और आंदोलनों में सक्रियता दिखाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और विकास, और कोई मुद्दा नहीं, और हम सब लोग उसी पे काम कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर से कोई बाल की खाल निकाले तो वो अलग बात है। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है। सवाल ये कि क्या पार्टी के सांसद जीतने के बाद दिल्ली दर्शन में ही ज्यादा व्यस्त हैं? क्या कार्यकर्ताओं को वक्त नहीं दे रहे हैं? क्या क्षेत्र में उनकी सक्रियता नहीं है? क्या जनता से संवाद नहीं कायम कर रहे माननीय? दरअसल इसे समझने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद के चुनावी नतीजे बेहतर तस्वीर दिखा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी अपने कोटे की वो 10 सीटें गंवा चुकी है जो 2012 में उसने जीती थी और जिनसे चुने गए विधायक सांसद बन गए। कहते हैं कामयाबी पर पहुंचकर वहां टिकना बेहद मुश्किल काम होता है, खासकर सियासत में तो और ज्यादा मुश्किल। ऐसे में अगर यूपी का किला फतह करना है तो बीजेपी के लिए मई 2015 की लहर को दोबारा पैदा करना होगा, जो बड़ी चुनौती है। अतीत में गौर करें तो माननीयों के इसी रवैये ने कई पार्टियों के लुटिया डुबोई है। कांग्रेस इसका बड़ा उदाहरण है जो यूपी में 1989 के बाद से ही सत्ता से दूर है। वहीं लोकसभा सीटों के मामले में भी यूपी में कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई है। ये वही कांग्रेस है जो 2009 में यूपी में 22 लोकसभा सीटें जीत चुकी है। दूसरा बड़ा उदाहरण समाजवादी पार्टी है जिसने 2012 में यूपी में 225 सीटें जीती, लेकिन महज 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में 5 पर सिमट गई। तीसरा बड़ा उदाहरण बहुजन समाज पार्टी है जिसे 2007 में यूपी में बहुमत मिला, 2009 में यूपी में 20 लोकसभा सीटें मिली, लेकिन 2012 में यूपी की सत्ता गई और 2014 में लोकसभा में खाता भी नहीं खुला। सियासत का सेंसेक्स बेहद झटका देने वाला होता है, यहाँ हर चीज नई चुनौती बनकर सामने आती है। ऐसे में बीजेपी की चिंता वाजिब है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये होगा कैसे? क्या वाकई सांसदों को दी गई नसीहतें काम आएंगी? क्या वाकई हिदायतों की घुट्टी से राजनीतिक ऊर्जा मिलेगी? क्या वाकई 2017 का सपना सांसदों के भरोसे पूरा हो पाएगा? लखनऊ से अमिता पारो और दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस पर अधिक चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, इनका परिचय पहले आप तक पहुंचाते हैं। मुद्दा बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो लहर थी, जो सुनामी थी, उस असर का अब साइड इफेक्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जनता सब जान रही है और जनता हवा हवाई बातों में अब नहीं आ रही है। तो ऐसे में जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारी होगी खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, क्योंकि बाईपोल से लेकर दिल्ली का चुनाव एक सबक देकर गया है। लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित और नोएडा स्टूडियो में कांग्रेस नेता अजय वर्मा है। आप दोनों सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले चूंकि हृदय नारायण दीक्षित जी, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है, तो ये बताइए कि अब एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। हमें याद है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ने प्रियंका रावत, जो बाराबंकी से सांसद थी, उनको फोन करके गंभीरता से बोला था कि भाई पर्सनल स्टाफ मत रखिए, अपना जो करीबी है अपने पर्सनल स्टाफ में उनको शामिल मत करिए, मेरिट के आधार पर लोगों का चयन कीजिए। इस चीज से जनता में एक संदेश गया कि सांसदों पर नजर रखी जाएगी, चाहे वो आदर्श गांव के रूप में हो या सांसद गलत काम ना करे, अपने जो भूमिका है उसका निर्वहन करे, उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन एक साल में हो क्या गया, क्या आप संतुष्ट हैं सांसदों के काम से, 71 सांसदों के काम से? हृदय नारायण जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। क्या आप संतुष्ट हैं? जो प्रश्न थे मैं नहीं सुन पाया, अब क्या आप संतुष्ट हैं 71 सांसदों के काम से? प्रश्न था वो मैंने सुन नहीं पाया था। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा अपने जनप्रतिनिधियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी के प्रत्येक पदधारक से अपेक्षा रखता है कि हम जनसंवाद रखें, जनसंपर्क में लगातार व्यस्त रहें, आम जनता की भावनाओं का सम्मान करें और तदनुसार विकास योजनाओं के लिए लगातार जुटे रहें। और यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने सांसदों से, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विधायक दल का नेता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी ने विधायकों के साथ भी इसी प्रकार की बैठक की है। काम को और गुणवान बनाना, काम को और निचले स्तर तक ले जाना, विचारधारा को और जमीनी स्तर तक पहुंचाना एक सांसद पार्टी का कार्यकर्ता है, अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है। इसी तरह विधायक भी हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित, विचार आधारित और एक सुनिश्चित ध्येय के लिए काम करने वाली पार्टी है। हम अपने सांसदों के माध्यम से, अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस देश का समग्र विकास चाहते हैं, सबको साथ लेकर। इसी निमित्त बैठकें हुई हैं। जहां तक अपने सांसदों के और विधायकों के कामकाज से संतुष्ट होने का प्रश्न है, उनका कामकाज अच्छा है, श्रेयस्कर है और अच्छा बना, इसलिए पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। हृदय नारायण दीक्षित जी, कितने सांसद गए हैं आदर्श गांव के तहत, कितने सांसद कितने गांव में गए हैं? सिर्फ यूपी में एक सांसद सक्रिय, वो भी वाराणसी का सांसद है। इसलिए नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक सांसद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगातार दौरा किया है। हाँ। लगातार अपने कार्यालय चलाए हैं, लगातार काम किया है, जनता की समस्याओं से सब लोग लगातार जूझते रहते हैं। अगर वाराणसी के सांसद का कार्यालय ठीक से खुला हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ लखनऊ के माननीय सांसद और देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी कार्यालय और उनका क्षेत्र में आना जाना है। पड़ोस में जिनका आपने नाम लिया, प्रियंका जी का, हमारे उन्नाव के सांसद, हमारे कानपुर के सांसद माननीय डॉक्टर जोशी जी, सारे सांसद आम जनता के साथ लगातार गहन संपर्क में हैं। लेकिन पार्टी को हमेशा एक अच्छी पार्टी, एक जिम्मेदार पार्टी। हृदय नारायण दीक्षित जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर दबाव होगा ये बताने का कि आपके सांसदों ने काम किया है, बहरहाल काम नजर नहीं आता है। आप कानपुर की बात कर लें तो मुरली मनोहर जोशी उस सदमे से उभरे नहीं है कि उन्हें वाराणसी से कानपुर चुनाव लड़ा दिया, वो जीत गए। आपकी जानकारी के लिए हम अपने दर्शकों को कानपुर लेकर चलते हैं। बीजेपी के कार्यालय का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश ने। मुरली मनोहर जोशी सांसद है, यहाँ पर क्या माहौल है? वो आते हैं, बहरहाल जोशी जी पत्रकारों को झाड़ते और चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। देखते हैं कितना वक्त दे रहे हैं।
बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह बनाने और मिशन 2017 में कहीं न कहीं आम लोगों के साथ कनेक्टिविटी कायम करने के उद्देश्य से बीजेपी के संगठन से ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि जितने भी सांसद हैं वो अपने लोकल बीजेपी ऑफिस में बैठेंगे, या तो सांसद या फिर उनके कोई प्रतिनिधि, और बैठ करके जनता की समस्याएं सुनेंगे। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के बीजेपी कार्यालय में, आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये बीजेपी कार्यालय में यूं तो यहाँ पर तमाम लोग आते थे, लेकिन क्या जो स्थानीय सांसद हैं यहाँ से, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो है बीजेपी से सांसद हैं यहाँ पर, और क्या उनके कोई प्रतिनिधि या फिर उनके जो है वो खुद जो है कभी यहाँ पर आते हैं और जनता की समस्याएं सुनते हैं? एक चीज ये बताइए आप लोग जो है कि यहाँ पर क्या डॉक्टर जोशी का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर बैठता है, जनता की समस्याएं सुनता है? डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब ने जो काम को बांट रखा है वो सभी लोग यहाँ पर बैठते हैं और सारे विभागों के जो भी कार्य होते हैं उनको संपन्न कराया जाता है। यहाँ पर सांसद से मिलने के लिए या सांसद के पास समस्याएं लेकर लोग आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, जो उनके बैठा ले जाते हैं प्रतिनिधि वो सब पूरी समस्या ले जाके उनके संज्ञान में डालते हैं। वो अपने लैपटॉप पे सारी समस्याओं को जितना आती वो भी करते हैं, जो निस्तारण करते हैं वो भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात, जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व के आदेश हैं वो कार्यालयों में पूरी तरीके से प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं, और यही वजह है कि जनता के बीच में जो कनेक्टिविटी, जो बेहतर कनेक्टिविटी उभर के सामने आनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। कानपुर से कैमरा पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। अपने दर्शकों को सीधे अजय वर्मा के पास लेकर चलते हैं। अजय वर्मा जी, क्योंकि यूपी इलेक्शन होने वाले और उसकी नींव अभी भी बीजेपी तैयार कर रही, मुद्दे बिजली सड़क पानी होंगे, क्योंकि लव जिहाद, बेटी बचाओ और इन तमाम जो धर्मी मजहबी मुद्दे से अब दूर होकर विकास के यहां पर बात की जा रही है। अगर मैं आपसे ही बात कर लूं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, आंकड़ा आप लोग का सिमटता ही चला जा रहा है। आप लोग जो बीजेपी पर वार कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया है मुझे बताइए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो दोनों सरप्राइज विजिट करने या फिर पिकनिक मनाने कह सकते हैं जाते हैं, सोनिया गांधी का गोदिया गांव उंडवा आज भी उनका इंतजार कर रहा है, राहुल गांधी अपने क्षेत्र में सिर्फ फूड पार्क को लेकर गए, अब दिखे नहीं कि कहां पर हैं। अब आप बताइए कि कांग्रेस क्या कर रही है। सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जितने भी हैं, देश के नेता इनके मोदी जी हैं, आदरणीय दीक्षित जी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। उत्तर प्रदेश में कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जिस वक्त ये लोग चुनाव जीत के आए थे, पहले कांग्रेस क्या कर रही है बताइए। मैं ये तो मैं बताने जा रहा हूँ, आपने पहले उनसे सवाल पूछा था, तो मैं गाजियाबाद के ही क्षेत्र के सांसद अभी वीके सिंह जी बोल रहे थे कि विकास की बात करते हैं, सड़कों का हाल देख लीजिए, वहां एक लगा हुआ गांव है, हाइनस 24 पर ही लगा हुआ है, बमेटा गांव है, मालीवाड़ा एक जगह है, इतना पानी भर जाता है, महिलाएं लोग निकलना दूभर हो जाता है, मतलब ये समझ लीजिए कहां विकास की बात करते हैं। कथनी और करनी में बहुत जबरदस्त फर्क है। हाँ, कांग्रेस की आप बात कर रही हैं कि सोनिया जी कहां है, राहुल जी कहां है, बिल्कुल राहुल जी देश के नेता हैं, सोनिया जी देश की नेता हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में देखने का काम प्रदेश के कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री जी और निर्मल खत्री जी कर रहे हैं। हर महीने मासिक बैठक होती है, हर क्षेत्र में हर समस्या पर, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जनता से संवाद जुड़ने का कोई भी मैटर हो, कांग्रेस का ये मौका है। चलो जनता ने नकार दिया, नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं होती, आज जो है कल वो नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा। राहुल गांधी का संसद में इतना अटेंडेंस नहीं होता तो फील्ड में क्या होगा? नहीं, संसद में क्योंकि उत्तर प्रदेश से दो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी, इनके लोग बड़े नेता कहते थे कि हमारे 46 और 50 के बीच आएंगे, लेकिन चलो ईश्वर की कृपा से 71 सांसद इनके हो गए। आप उत्तर प्रदेश में किसी एक सांसद को, बस आपने एक नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाराणसी का कार्यालय पूरा रहता है, प्रयास तो सब जगह दिखाने का, मोदी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी का भी आपने दिखाया, उनके विचार सुन लीजिए, पीछे अभी जो है इनके यशवंत सिन्हा जी का कह लीजिए कि 75 के ऊपर सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर आप देश को अखंडता और एकता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास की गति को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपस में जो आपके वैचारिक मतभेद हैं, जो आपके नेताएं, आपकी महिला नेताएं, स्मृति ईरानी को ले लीजिए जिसके ऊपर चल रहा है, पंकजा मुंडे को ले लीजिए, अरब मैडम को ले लीजिए जो देश की बड़ी नेता, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है, मतलब मैं इसलिए नाम ले रहा हूं उत्तर प्रदेश में चूंकि देश की नेता है स्मृति ईरानी, तो अमेठी पर लगातार वार करने के उद्देश्य से केवल ये सोचते हैं कि विकास के नाम की इन 60 सालों में या कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं करा, कोई जादू की छड़ी आ रही है, मोदी जी घुमा रहे हैं और एक साल में उससे उन्होंने पूरा हिंदुस्तान का, मनमोहन सिंह ने भी वो जादू की छड़ी कैसे, एक साल में केवल उन्होंने घुमाया, अरे एक साल में ट्रेनें बन गई, एक साल में ट्रैक बन गया, एक साल में स्टेडियम बन गए, एक साल में पाइपलाइन बिछ गई, एक साल, आप ये तो देखिएगा मैडम, हर चीज का समय लगता है। महेश्वरी जी, आपने भी उत्तर प्रदेश के 60 जनपद
पद घूमे, मैंने चुनावों में आपको बड़ा एक्टिव देखा है। अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो सबसे पहले इस मंच पर मैं ही आपकी बुराई करूंगा। आपने भी उत्तर प्रदेश के हालात चुनावों के दौरान देखे थे और आपने एक चीजें देखी कि जहां जैसा है उसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन आज की तारीख में, आज की तारीख में जैसा ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद कर रहे हैं उसको प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आप कहीं का आंकड़ा उठवा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक्टिवली काम करने की बहुत जरूरत है। 75 साल के ऊपर ब्रेन डेड है, ठीक है, वो बात हर बातें अपनी अलग है, लेकिन अब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सियासी मुद्दा है 2017 का चुनाव। बीके सिंह जी कभी आते ही नहीं है हमारे यहाँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। समय का अभाव है, इसीलिए इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।